साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी रिहाई न मिली। अडियाला जेल से निकलते ही जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन ने मुजाहमत भी की मगर रावलपिंडी पुलिस ने एक ना सुनी, बख्तरबंद गाड़ी में बिठा कर ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और शाह महमूद कुरैशी के साथ पुलिस की बदसलूकी पर सदर मुमलिकत भी खामोश ना रहे। बोले, साबिक वजीर खारजा से गैर महजब सलूक हुआ, ऐसे वाकयात मुनासिब नहीं। सोशल मीडिया पर पैगाम में आरिफ अलवी ने कहा, ऐसी रियासत नहीं बननी चाहिए जहां इंसानी हकूक और वकार पामाल किया जाए। यूसुफ रजा गिलानी की भी मजम्मत, कहा तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते, किसी भी सियासतदान के साथ ऐसा बर्ताव काबिल अफसोस है। इंतजामिया शाह महमूद कुरैशी के साथ इस रवैये का नोटिस ले। अडियाला जेल से निकलते ही जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन ने मुजाहमत भी की मगर रावलपिंडी पुलिस ने एक ना सुनी, बख्तरबंद गाड़ी में बिठा कर ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और शाह महमूद कुरैशी के साथ पुलिस की बदसलूकी पर सदर मुमलिकत भी खामोश ना रहे। बोले, साबिक वजीर खारजा से गैर महजब सलूक हुआ, ऐसे वाकयात मुनासिब नहीं। सोशल मीडिया पर पैगाम में आरिफ अलवी ने कहा, ऐसी रियासत नहीं बननी चाहिए जहां इंसानी हकूक और वकार पामाल किया जाए। यूसुफ रजा गिलानी की भी मजम्मत, कहा तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते, किसी भी सियासतदान के साथ ऐसा बर्ताव काबिल अफसोस है। इंतजामिया शाह महमूद कुरैशी के साथ इस रवैये का नोटिस ले। अडियाला जेल से निकलते ही जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन ने मुजाहमत भी की मगर रावलपिंडी पुलिस ने एक ना सुनी, बख्तरबंद गाड़ी में बिठा कर ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और शाह महमूद कुरैशी के साथ पुलिस की बदसलूकी पर सदर मुमलिकत भी खामोश ना रहे। बोले, साबिक वजीर खारजा से गैर महजब सलूक हुआ, ऐसे वाकयात मुनासिब नहीं। सोशल मीडिया पर पैगाम में आरिफ अलवी ने कहा, ऐसी रियासत नहीं बननी चाहिए जहां इंसानी हकूक और वकार पामाल किया जाए। यूसुफ रजा गिलानी की भी मजम्मत, कहा तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते, किसी भी सियासतदान के साथ ऐसा बर्ताव काबिल अफसोस है। इंतजामिया शाह महमूद कुरैशी के साथ इस रवैये का नोटिस ले।